हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोहेल है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं खुद अपने आप से एक चैलेंज ले रहा हूँ और मैंने देखा कि जो स्पाइरुलिना की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक परसेप्शन लोगों का रहता है कि स्पाइरुलिना का टेस्ट कैसे होगा। तो यहाँ पर ये एक नया प्रोडक्ट जो DXN का लॉन्च हुआ है, स्पाइरुलिना सीरियल, आप देख सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार इसका टेस्ट कैसा है। और दूसरी चीज़ ये भी सवाल आता होगा कि जैसे हमने बताया कि आप गर्म पानी में या इसको गर्म दूध में आप पी सकते हो, तो बहुत सारे लोगों को सवाल आता होगा सर अगर हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम हमें पानी नहीं मिल रहा है गर्म या हमें दूध नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसका दो बेनिफिट है ये आपको पता करने के लिए कि भाई बिना पानी या बिना दूध के इसको कैसे लिया जाए। और दूसरी चीज़ जो स्पाइरुलिना की जब हम बात करते हैं और जब इसको खाने की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुंह बड़े आड़े टेढ़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसे होगा। तो आज मैं खुद से ही अपने आप को एक चैलेंज ले रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट सीधा पाउच में से बिना पानी के बिना दूध के इसको खा के बताऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई बिना पानी के बिना दूध के भी इसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये आप देखिए कि ये पैकेट पाउच जो है ओपन हो चुका है। आप डायरेक्ट भी इसको खा सकते हैं और उसके बाद आपको पानी पीना है तो आप पानी पी लीजिए। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा काटता हूँ तो इसका जो टेस्ट है, एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें जो हम स्पाइरुलिना की बात करते हैं, अगर आप डायरेक्ट जो है स्पाइरुलिना का पाउडर या उसकी टैबलेट अगर आप बाइट करोगे तो उसका टेस्ट समझ में आता है। यहाँ पर जब मैं इसको खा रहा हूँ तो मुझे स्पाइरुलिना का टेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो मैंने जब मलेशिया से नूडल लाया था उसके अंदर भी सेम चीज़ मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसा होगा, बट मालूम नहीं पड़ता इसके अंदर कि स्पाइरुलिना एडेड है। तो आप ऐसा खा के आप सादा पानी भी पी सकते हो अगर आपको ऐसे भी खाना है। तो आप देखकर बता पा रहे होंगे कि मुझे इसका टेस्ट बुरा नहीं लग रहा है। तो स्पाइरुलिना सीरियल है विथ ओट्स, इसमें गेहूं भी होता है। मार्केट में आपको बहुत सारे ओट्स मिलते होंगे बट मसाला ओट्स या नॉर्मल ओट्स आपको मिल रहे हैं, बट स्पाइरुलिना के साथ में आपको शायद ओट्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, आपका हेल्दी लंच हो गया, आपका हेल्दी ब्रंच हो गया, आपका हेल्दी डिनर भी हो सकता है अगर आप इसको गर्म पानी पीते हो या इस तरीके से अगर आप खा के फिर पानी पी लेते हो। तो यहाँ पर DXN स्पाइरुलिना सीरियल का पूरा पाउच मैंने खा लिया। अब मेरे पास पानी नहीं है, मैं घर जाकर अभी पानी पीऊंगा। और आप खुद देख रहे हो कि मुझे जो है अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे आपको नज़र आता, आपको पता चलता कि हाँ भाई इसमें स्पाइरुलिना का टेस्ट, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्पाइरुलिना का पाउडर या टैबलेट जो है बाइट करके नहीं खा सकता, इसलिए हम टैबलेट्स को निगल लेते हैं या हम कैप्सूल फॉर्म में उसको खाते हैं ताकि हमें उसका टेस्ट ना मिले। बट जब मलेशिया से नूडल लाया उसके अंदर भी स्पाइरुलिना का आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पाइरुलिना उसमें एडेड है, आपको दिखकर वो ग्रीन आएगा। जब आप इसको बनाओगे तो इस तरीके से देखिए ये ग्रीन जो है ये आपको नज़र आएगा बट आपको उसका टेस्ट नहीं फील होगा, क्योंकि इसमें वेनिला थोड़ा सा एडेड है, ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये चैलेंज लेकर इसको
एक्सेप्ट करके, खुद का चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने आपको खा के बताया। और आपको इससे ये भी पता चल गया होगा कि अगर मेरे पास पानी नहीं है गर्म या दूध नहीं है गर्म, तो मैं किस तरीके से इस सीरियल को यूज कर सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट भी इसको खा सकते हो और पानी ऊपर से पी के इसका भी मजा उठा सकते हो। तो आपके साथ जब आप काम पे निकलते हो तो आप एक दो पाउच अपने साथ रखें, जब भी आपको भूख लग रही हो और आपको कुछ अनहेल्दी खाने का नजर आ रहा है, या अगर आपके सामने कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं है, तो आप तुरंत इसका पैकेट खोलिए। आप इसको, पहले कोकोजी भी हम इस तरीके से खाते थे, अब ये आपके पास वाकई में एक लंच डिनर या ब्रेकफास्ट हो गया है। आप खाली इसको ओपन करके ऐसे आपको पाउडर डालना है, उसको चबा के बाइट करके उसको खा लेना है, ऊपर से पानी पीकर आप अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाओ उसकी अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।